कोरोना काल में मनोरंजन जगत को बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है। कई फिल्मी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा तो कई इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए। अभी भी ये सिलसिला जारी है। हाल ही में मशहूर टीवी अभिनेत्री महिका शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब वो अपनी पहली खुराक के लिए एक टीकाकरण केंद्र गईं, तब उन्हें संक्रमित होने की जानकारी मिली। अब उनका कहना है कि मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, मैं अपने डॉक्टर के संपर्क में हूं और मैं उन लोगों से भी टेस्ट कराने का अनुरोध करती हूं जो पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं। कोरोना टीका लगवाने गई महिका का कहना है कि मैं हैरान और स्तब्ध हूं कि मैं कोरोना संक्रमित हूं, मुझे ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखे और मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। मैं वैक्सीन का पहला शॉट लेने वाली थी, लेकिन अब मुझे कुछ और वक्त के लिए इंतजार करना होगा। रामायण, FIR, तू मेरे अगल बगल और जैसे टीवी शोज और फिल्म मर्दानी में काम कर चुकी महिका अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। वो अक्सर महिलाओं पे हो रहे शोषण और उनमें संबंधित समस्याओं के बारे में खुलकर अपनी राय रखती हैं। बीते दिनों महिका जबरदस्त सुर्खियों में आ गई थी जब एक पॉर्न स्टार डैनी डी के साथ उनकी दोस्ती की बात सामने आई थी। महिका ने अपने बात बताते हुए कहा था कि लोगों को लगने लगा था कि मैं डैनी डी की दोस्त हूं, तो मैं भी एक सेक्स वर्कर ही हूं। वो बिना सच का पता लगाए मुझे छोटा दिखाने लगे और मेरा शोषण करने लगे। इस पर महिका ने कहा था कि वो इस बारे में लोगों को जागरूक करेंगी ताकि वो सेक्स वर्कर को गलत नजरों से न देखें। इसके अलावा महिका मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी अपने विचार रख चुकी हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।